अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो लीजिए दोस्तों, आपका इंतजार हो चुका है खत्म और जारी हुआ रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको काउंसलिंग रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले दोस्तों आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं और इस पर हम पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अब आगे का प्रोसेस जानेंगे, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया अब उनको क्या करना है। ठीक है, वो पिछली बार से काफी ज्यादा कम रही इस बार की मेरिट, जो कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि इस बार की मेरिट कम रहने वाली है और वैसा ही हुआ, पिछली बार से काफी कम थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम आगे प्रोसेस क्या करेंगे इसको देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, उनको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चले ना कि उनका रिजल्ट जारी हो चुका है, कैसे देखना है। तो सब्सक्राइब वाले बटन को दोस्तों हल्का सा टच करिएगा, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पिछली बार से काफी कम रही मेरिट। होता क्या है, देखिए कुछ बच्चों को अगर ब्लैंक शो हो रहा हो, जैसे अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज अप्लाई किया हो, अगर आपका नाम वाम शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है अभी तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही होता है आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर हाँ, अगर आपको आपके नाम के साथ और आपका कॉलेज का नेम नीचे शो हो रहा है कि ये कॉलेज मिल चुका है, तो मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और 10,000 रुपए अब आपको पेमेंट करनी है। अब बात आती है दोस्तों कि 10,000 रुपए कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जल्द से जल्द पेमेंट करिएगा 102 दिन में। अगर आपको कॉलेज लेना हो तो जल्दी से करिए। क्या मतलब है कि कितने दिन में कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तक दोस्तों जो इंतजार करते हैं ना अंतिम समय में, तो लास्ट टाइम में दोस्तों होता क्या है कि वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो काफी बच्चों का रह जाता है। तो अगर आपको चाहिए हो कॉलेज, तो भाई आप लोग 10,000 का पेमेंट करिए और जाकर कॉलेज लीजिए। अब फेज 2 चल रहा है, इसके बाद दोस्तों फेज 3 तो नहीं आने वाला, जहां तक अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही फेज 3 आएगा। दोस्तों ये फेज 2 अब अंतिम होने वाला है, अंतिम पड़ाव में ये आपके एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अब जो सीटें बचेंगी तो हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन उनको मिले, क्योंकि आज से दोस्तों आप लोग की जैसे 10,000 की पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन कटना शुरू हो जाएगा। और एक चीज और बता दे दोस्तों, आज से ही, ठीक है, आज 21 अगस्त से दोस्तों शाम से आप लोग को 25 अगस्त तक सभी बच्चों को सारे कॉलेज ओपन कर दिए जाएंगे। ना तो कोई जनरल सीट होगी, ना तो ओबीसी होगी, ना कोई एससी, ना एसटी, सभी को मतलब एक सीट मानी जाएगी, सभी बच्चे समान होंगे। और दोस्तों कोई भी बच्चा किसी भी सीट पर एडमिशन ले पाएगा, बस कंडीशन दोस्तों यही होनी चाहिए कि उसके नंबर अच्छे होने चाहिए और मेरिट अधिक होनी चाहिए। अब दोस्तों ये लास्ट राउंड है, फेज 2 का अंतिम राउंड दोस्तों आपकी मतलब एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त, तो मतलब आज शाम से दोस्तों ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए, नहीं खुल रहा, ट्राई करते रहिए। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया है कि आप लोग को 100% मतलब 100% सीट भरे जाने के उद्देश्य से डीएलएड प्रशिक्षण में आवेदन करने वाले समस्त पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विशेष आरक्षित सीटें, ठीक है, को सामान्य श्रेणी की सीट पर परिवर्तित करते हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि, और इसका दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो 26 अगस्त को आएगा, 26 अगस्त 2019, ठीक है। तो दोस्तों जो आप लोग को अगर एडमिशन लेना है तो कल से आप लोग कॉलेज जा सकते हैं। 22 से लेकर 29 अगस्त तक आप लोग की भाई एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 29 अगस्त आपकी अंतिम डेट है, ये ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, 29 अगस्त। और एक बात और दोस्तों आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी, अभी इस बार जो फेज 1 में आपको, फेज 2 आपको जो हुआ है, अगर किसी भी बच्चे को प्राइवेट या सरकारी कॉलेज अलॉट हो गया एक बार, तो अब उसको आपको बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, या तो आप एडमिशन लीजिए या तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर आप अपने आप को समझ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसको कैंसिल आप नहीं कर पाएंगे, जो मिला या तो एडमिशन लीजिए, या तो दोस्तों अगर आपको कोई और कॉलेज पसंद आ रहा है तो डायरेक्ट एडमिशन की बात वहां आप जाकर कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आप उसको कैंसिल कर पाएंगे। तो यही आपकी दोस्तों मेन है, ये विज्ञप्ति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए। तो आपने विज्ञप्ति देख लिया, तो आज आपका 21 अगस्त को रिजल्ट जारी हो चुका है। और अब देखिए दोस्तों, 30 अगस्त तक आप लोग के कॉलेज वाले सब डेटा दे देंगे, ठीक है। आप इसके बाद दोस्तों जो आज से आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो रही है ना, इसमें बहुत ही मजा आने वाली है सभी बच्चों को, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, ज्यादा नंबर जिसके हैं उसी को सरकारी कॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो आज से आपकी सारी सीट्स ओपन होने वाली। जी हाँ दोस्तों, ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, अभी तक आप लोग जैसे देखते थे आपकी एससी कितनी सीटें दिखा रहा है, एसटी कितनी दिखा रहा है, अब आपको टोटल सीटें दिखाएंगे कि कहाँ पर किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो अगर दोस्तों अभी तक हो सकता है कि काफी कॉलेजेस दोस्तों ऐसे रहे होंगे जहाँ पर फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप या ऐसे कुछ भी हो, तो दोस्तों अभी हम आपको पूरी सीट्स का डेटा आपको ऑनलाइन शो कर देंगे कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो अभी तक भी जिस बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है
उनको भी सरकारी कॉलेज का ऑप्शन अभी भी खुला है, अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, और जिन बच्चों का कॉलेज कहीं पर अलॉट नहीं हुआ है तो उनका भी एक और चांस मिलेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छी खबर होगी, तो अच्छी बात है दोस्तों, और काफी बच्चों को काफी अच्छा लग रहा होगा सरकारी कॉलेज पाके। पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था देखा गया था, जो आपका दोस्तों फेस वन चला ना, उसमें 239 नंबर तक पाने वाले बच्चे सरकारी कॉलेज की लिस्ट से बाहर हुए। जी हाँ दोस्तों, 239 नंबर में भी फेस वन में आपका सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार किस्मत देखिए दोस्तों, 210 नंबर, 220 नंबर में बच्चों को सरकारी कॉलेज अलॉट हो गया। तो वही होता है ना, किस्मत की बात होती है कि मतलब इन बच्चों ने बाद में जाकर प्राइवेट कॉलेजेस अप्लाई कर लिए और इनको कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिल गया, लेकिन जो बच्चे छूट गए थे सिर्फ मतलब आपके सरकारी कॉलेज के भरोसे छूटे थे कि हमको सरकारी मिलेगा तो लेंगे अन्यथा नहीं लेंगे, तो उनको दोस्तों लास्ट में जाके सरकारी कॉलेजेस मिले। और कुछ बच्चों की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज भी अप्लाई किया लेकिन उनको प्राइवेट भी नहीं मिल पाया फर्स्ट राउंड में, तो फेस वन में या फर्स्ट राउंड जो भी कहिए, तो अब उनको आज सरकारी कॉलेज मिल गया है। तो देखिए सरकारी कॉलेज में होता है क्या दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों 10,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, नंबर वन स्टेप। उसके बाद दोस्तों आपको इसका डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर नंबर थ्री पर जो आपका प्रोसेस आएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सब। उसके बाद दोस्तों आपका ये सरकारी कॉलेज ले रहे हैं तो 200 रुपए की डीडी बनेगी, अगर प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो 31,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाएगा आपके कॉलेज के नाम से। लेकिन डीडी बनवाने से पहले एक बार आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, पूछिए किस नाम से उनको डीडी चाहिए, ठीक है, तीन चीज। उसके बाद दोस्तों आपको आपका अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा कॉलेज। तो दोस्तों आपने प्रिंट किया होगा ना एप्लीकेशन फॉर्म, जो शुरुआत में आपने पूरा एप्लीकेशन अपना भरा था जहाँ पर हाई स्कूल इंटर ये सब किया होगा, तो उसको आपको दोस्तों कॉलेज लेकर जाना है, ठीक है, नंबर चार पर ये रहेगा। नंबर पांच पर दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर हो गया, प्रिंट एप्लीकेशन हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ठीक है, आप तो एक ही में रहता है फिलहाल, सातवां में दोस्तों आपका इंटर के है सर्टिफिकेट ये सब मार्कशीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सातवां पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ये तीन चीजें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, ये लेकर जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उससे मैच करा लिया जाएगा कि आपने उस समय हाई स्कूल में जो नंबर डाले थे, इंटर में डाले थे या ग्रेजुएशन में, सब कुछ सही है या गलत, ठीक है, रोल नंबर से लेके आपके जितने भी नंबर आपने डाल रखे सबको मैच कराया जाएगा। अगर उसके बाद दोस्तों आप लोग ओबीसी एससी और एसटी से आते हैं, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, तो आपको क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, या विशेष आरक्षित वर्ग से है तो जैसे विकलांग है तो उसको भी आपको लेकर जाना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 9 नंबर पर आएगा आपका निवास प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों होता है क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा दोस्तों तो भी आपको दिक्कत होगी, बिना मतलब आपके निवास प्रमाण पत्र के तो आपको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो ये 11 जुलाई 2019 के पहले का होगा, चलेगा, उसके बाद का फिलहाल नहीं मान्य हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन लेकर जाएंगे, हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों क्या जरूरत पड़ सकती है आपको, देखिए 10 नंबर पर दोस्तों आपको एक चीज और चाहिए होगा जो कि आपके लिए जरूरी है, वो है क्या दोस्तों आपके लिए, आपको एक शपथ प्रमाण पत्र वहां देना पड़ता है, ठीक है, शपथ प्रमाण पत्र, शपथ पत्र मतलब आपका। तो ये आप कॉलेज से मांग लेंगे तो वहां उसका प्रारूप दे देंगे कि आप क्या लिखवाना है वहां पर। देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई, ये भी जरूरी है, तो आपको दोस्तों एक एफिडेविट देना पड़ सकता है कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आएगी फाइनल वाली, मतलब ओरिजिनल, जैसे कुछ बच्चों के पास हो सकता है अभी भी ना हो तो इंटरनेट वालों की, तो दोस्तों ओरिजिनल के लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा, तो उसको भी दोस्तों दे दीजिएगा, ठीक है। और 11 नंबर पर दोस्तों आपके लिए क्या चीजें आती हैं, डीडी हो गया आपका, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी दोस्तों कुछ जगह चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोस्तों कुछ कॉलेज वाले मांग रहे हैं और कुछ कॉलेज वाले तो और हद से ज्यादा गैर गुजरे होंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग लेंगे, मतलब हर कॉलेज वाले नहीं मांग रहे, वही कह रहे हैं ना कुछ कॉलेजेस वाले ही कर रहे हैं कि जो परेशान करना होगा तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस में दोस्तों हमने देखा कि मेडिकल सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस वाले होते हैं ना, अब दोस्तों कभी कभी टीसी भी मांग लेते हैं कुछ कॉलेज वाले, अब टीसी हर कॉलेज वाले नहीं मांग रहे लेकिन कुछ मांग रहे, तो उसको भी हम बता दें आपको, नहीं तो आप लोग कहीं बताया नहीं सर आपने, टीसी का मतलब होता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये कॉलेज कुछ भी मांग रहे हैं। और जैसे आपका ग्रेजुएशन का दोस्तों एक चीज और रहा होगा आपका, जैसे या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन जो भी आपने निकलवा रखा होगा उसको भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की दोस्तों ये सब चीजें देनी है, तो इतनी चीजें हैं जो आप लेकर जाएंगे, और सब कुछ दोस्तों ओरिजिनल लेकर जाना है ये भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आप लोग सब फोटो कॉपी लेकर जाएंगे, ओरिजिनल लेकर जाएंगे और सब कुछ दोस्तों आपका सबमिट हो जाएगा, जमा रहेगा कम से कम 6 महीने, तो मतलब वो आपको मिलने वाला भी नहीं है, जैसे अगर आपको बहुत जरूरत पड़ती है कहीं तो आप लोग एक एप्लीकेशन दे के वो से निकलवा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस है, तो आप लोग लेकर जाइएगा ओरिजिनल, लेकिन जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों आप एक अच्छी सी फाइल खरीद लीजिएगा, उसमें लगाकर लेकर जाएंगे,
ठीक है ना, ऐसे मत लेके चले जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको कि ऐसे ले जाएंगे, क्योंकि वो आपका सबमिट होता है तो जैसे दोस्तों आप लोग फाइल देंगे जितनी अच्छी कंडीशन में उतनी अच्छी कंडीशन में आपको वो वापस कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है आपको। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज अलॉट हो गया, जिनको नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलेगा, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और मिलते हैं फिर।